नई दिल्ली में मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग हिंदू समाज द्वारा काफी समय से की जा रही है, लेकिन अब इस मांग की ओर तेज व मजबूती से आमजन तक पहुंचाने के लिए एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने 19 जून को सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर किया। इस प्रदर्शन में माता वैष्णो देवी से जुड़े बारीदार समुदाय के साथ विभिन्न हिंदू संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का भारी प्रतिसाद भी मिला। इस अवसर पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कहा कि मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने हेतु एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में आंदोलन का संचालन किया जाएगा। जब मस्जिद और चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार हिंदुओं के मंदिर पर नियंत्रण का जिद क्यों पाले हुए है। ये संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है जो अक्षम्य है। अंकुश शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ही एकम सनातन भारत दल का गठन किया गया है। हमारे सप्त संकल्प में यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब हिंदुओं के साथ कोई भी भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अंकुश शर्मा ने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून को स्वतंत्रता के बाद से ही सभी सरकारों ने केवल और भी अधिक मजबूत किया, बल्कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी की है। खुद को हिंदूवादी कहने वाली भाजपा सरकार ने भी उत्तराखंड के चार धामों पर नियंत्रण कर यह साबित किया है कि वह हिंदुओं के मंदिरों मठों को लूटने में अंग्रेजों और कांग्रेस के ही राह पर चल रही है। दरअसल मंदिर संचालकों के नाम पर सरकारों ने मंदिर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं एडवोकेट अंकुश शर्मा ने साल 2024 का भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, बातचीत के मामले में हमारे पास सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं है, ना ही हम उस न्योते का इंतजार कर रहे हैं। बातचीत का कोई मामला नहीं है। आज हमने ग्राउंड पे स्ट्राइक डाउन किया है और इस आंदोलन को पूरे देश भर में चलाएंगे। आज आप दिल्ली में देख रहे हैं, जम्मू में लगातार ये चल रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु के हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनसे बात हुई, वहाँ पे हमारा 10-12 दिन का दौरा रहेगा लगातार। वहाँ के मंदिर मठ और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं उनसे लगातार हमारा संपर्क है। पूरे देश में इस मूवमेंट को हम खड़ा करेंगे, जगाएंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरीके से सरकार होस्टाइल होकर मंदिरों को टेक ओवर करती है, उसी होस्टिलिटी के साथ और उसी ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ के साथ सरकार से छीन के मंदिरों का कंट्रोल वापस हिंदुओं को सौंपवाएंगे। सनातनी समाज, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म में विश्वास रखने वाला पूरा समाज हमारी इस मांग के साथ है। आप जितने भी राज्य, जहाँ जहाँ पे भी हमारा दौरा हुआ, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे तो एक मत है। आज सनातन समाज की आत्मा की आवाज यही है कि सरकार मंदिरों और मठों के सरकारी नियंत्रण को खत्म करे। पूरा समाज हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज़।